तो हम आज बनाने वाले हैं चटपटा पपीता का पराठा, जो कच्चे पपीता से बनता है और बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है। इसे धोकर अच्छी तरह साफ कर इस तरह बीज का हम बीज निकाल लेंगे, अंदर का बीज सारा इसको हम चाकू से निकाल लेंगे। अच्छी तरह धोकर साफ करने के बाद इसको हम अब रगड़ कर यहाँ पे कद्दूकस कर लेंगे। तो आप पतले महीन वाले से कीजिएगा, मोटा नहीं ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस तरह हम इसको कद्दूकस कर लिए हैं। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा ही नमक डालेंगे और नमक डालने के बाद इस तरह मसल मसल कर उसको हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके दबा के ढक देंगे और ढक कर इसे 10 मिनट तक हम छोड़ देंगे। देखिए 10-15 मिनट हो चुका है। अब इसको इस तरह से पूरा दबा दबा कर इसमें से पानी निचोड़ लेना है। आप चाहे तो कपड़ा में भी डाल कर सकते हैं। मैं इसे दोनों हाथ से फिर इसे निचोड़ कर पानी को अलग कर लेंगे। ये पानी भी बहुत हेल्दी होता है, आप चाहे तो दाल सब्जी में भी डाल सकते हैं। तो इस तरह देखिए सबको हम दबा कर पानी निकाल लिए हैं। अब इसमें हम अदरक थोड़ा सा घिस लेंगे, लगभग 1 इंची तक का टुकड़ा लिए हैं, इसे घिस कर अदरक ले लेंगे। अब इसमें नींबू निचोड़ लेंगे, पूरा 1.5 नींबू निचोड़ लेंगे, जितना आप खाना पसंद करते हो। उसके बाद मंगरेल और अजवाइन डाल देंगे। उसके बाद मुझे नमक कम लग रहा है, थोड़ा सा और नमक डाल देंगे और बारीक काटा हुआ धनिया, धनिया का पत्ता और बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, और कुछ नहीं इसमें डालना है। बहुत ही हेल्दी नाश्ता होता है ये। तो इसमें हम डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं। तो देखिए अब इधर हम लिए हैं गेहूं का आटा, आटा में भी कुछ नहीं डाले हैं हम। तो इस तरह से पानी डालकर हम इसे अच्छी तरह आटा को सेट कर देंगे। देखिए आटा को एकदम सॉफ्ट गुथना है। उसके बाद ढककर 10 मिनट छोड़ दिए थे। आटा हमारा सेट हो चुका है। अब हम इसको सूखा आटा की मदद से इसकी छोटी छोटी लोइयां बना लेंगे। तो इस तरह जितना बड़ा पराठा चाहिए उस तरह सूखे आटा लगाकर हम इसे गोल कर लेंगे और उसको कटोरी के शेप में उसे इस तरह बना लेंगे स्टफिंग भरने के लिए। तो जो हम पपीता का तैयार किए थे स्टफिंग, उसको इसमें अच्छी तरह हम भर लेंगे। देखिए आप इस तरह फैला फैला कर अच्छी तरह भर लीजिए। तो इस तरह हम इसको सूखा आटा में फिर डिप करके इस तरह फैला लेंगे। पहले इस तरह फैला लेने से एक होता है कि स्टफिंग चारों तरफ पराठा में फैल जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच में रहता है, और जितना पतला चाहे आप पराठा बना सकते हैं। ये दिख रहा है कि इसमें ढेर सारा स्टफिंग भरा हुआ है, लेकिन ये फटेगा नहीं। तो उस तरह हम फिर से दूसरा लोई लेंगे आटा का। ये सूखा आटा लगा लिए हैं, क्योंकि आटा बहुत गीला होता है तभी अच्छा से बनेगा पराठा। तो सूखे आटे में डीप करके इस तरह कटोरी बनाकर और फिर से वो स्टफिंग भर लीजिए। और भर कर हम इसे अच्छी तरह बंद करने के बाद हम आटा में डीप कर इस तरह अच्छी तरह जरूर फैला लेंगे, उसके बाद ही बेलेंगे हम। तो ज़्यादा आसान होता है, पराठा भी बहुत टेस्टी बनता है, फटता नहीं है। और देखिए इसे तवा गर्म हो गया है, इसमें हम डाल दिए हैं। अब पराठा को सेक लेंगे उलट पलट कर। आप चाहें तो इसमें बटर, घी या कुछ भी रिफाइन आप थोड़ा सा लगा दीजिए। मैं यहाँ पर घी लगा दे रही हूँ, इससे पराठा बहुत ही टेस्टी होता है। अंदर मैंने घी और तेल कुछ का यूज नहीं किया है, बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होता है ये पराठा। इस तरह दबा दबा कर हम सेक लेंगे।
आप चाहें तो लंच में भी ले जा सकते हैं, नाश्ता और खाना में भी खा सकते हैं। पपीता बहुत ही फायदेमंद होता है। तो देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है पराठा का। इस तरह देखिए हम बीच से काट के आपको दिखा रहे हैं, पूरा चारों तरफ फैला हुआ है इसमें स्टफिंग। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा भरना है। तो इस तरह हम गोल्डन होने तक सेक लेंगे पराठा को। बहुत ही चटपटा बनता है ये पराठा। तो फिर हम दूसरे पराठे को इस तरह तवे पे डाल देंगे। देखिए इसमें पूरा अंदर तक भरा हुआ है पपीता। तो सारा पराठा हम इसी तरह उलट पलट कर इसमें थोड़ा सा घी लगाते हुए सेक लेंगे। देखिए सारा पराठा बन गया है हमारा। आप एक बार ज़रूर घर में बनाकर ट्राई कीजिए, तब आप आलू का पराठा और बाकी सब पराठे भूल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और चटपटा बनेगा ये पराठा। और कमेंट करके बताइएगा कैसा बना है आपका पराठा। तो देखिए बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसान तरीके से बनता है ये। सारे पराठे को हम इसी तरह सेक लिए हैं। आप चाहे तो इसका स्टफिंग को फ्रीज में रख कर भी दूसरे दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना खाना हो उतना बना सकते हैं। देखिए तब तैयार है हमारा पराठा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एक बार अपने घर में पराठा बनाकर जरूर ट्राई कीजिए। तो आप इसे चटनी या सॉस या किसी के भी साथ खाइए, ऐसे भी खाइए, बहुत ही टेस्टी बनता है ये पराठा, चटपटा होता है। तो यहाँ पर मैं आंवले का चटनी बनाकर उसके साथ खा रहे हैं।